और उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था कि आप किसी भी नंबर का स्क्वायर कैसे निकालेंगे। शायद कुछ टेक्निकल इश्यू है। वंस अगेन गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। हाँ गाइस, जो सीरीज की हम लोग बात कर रहे थे कि हम लोगों ने एक सीरीज स्टार्ट किया है, उसमें पूरा का पूरा हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि किसी भी नंबर का हम लोग स्क्वायर किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे। सिंप्लीफिकेशन का आज हम लोग पहला लेक्चर लेने जा रहे हैं। शायद कुछ टेक्निकल इशू था, उसकी वजह से शायद कुछ इशू आ सकता है। जिन बच्चों ने लास्ट लेक्चर नहीं देखा हुआ है, एक बार मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, एक बार देख लीजिएगा। और आज हम लोग बढ़ते हैं सिंप्लीफिकेशन की तरफ एकदम जीरो से। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना सेशन। और बॉडमोस हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, एकदम जीरो से स्टार्ट करेंगे। और जितना भी हम लोग सिंप्लीफिकेशन पढ़ चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था आपको मिनिमम 25 तक स्क्वायर पता होना चाहिए, 15 तक क्यूब डिस्कस करना था मुझे। एक बार मैं पहले 15 तक क्यूब डिस्कस कर लेता हूँ, उसके बाद में हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए गाइस, टेबल 25 तक जरूर याद करिएगा। ये सारी बात हम लोग कर चुके हैं। स्क्वायर के बारे में तीन पैटर्न मैंने बताए थे स्क्वायर के, जैसे कि अगर मुझे सपोज 48 का स्क्वायर निकालना है, तो हम लोगों ने देखा था कि ये 50 से लेस है, कितना लेस है, 2 लेस है, तो 2 का स्क्वायर 04 लिखेंगे और 25 में से 2 माइनस करेंगे विच इज़ 23। तो ये पैटर्न हम लोग देख चुके हैं। अगर इन द सेम वे मुझे 107 का स्क्वायर निकालना है, तो मैं बोलूँगा 100 से मोर है 7, 7 का स्क्वायर करेंगे 49, और 7 इसमें ऐड करेंगे तो बनेगा 114, 114, 149। इस तरीके के पैटर्न हम लोग देख चुके थे। आज थोड़ा सा मैं डिस्कस करता हूँ क्यूब के बारे में। ठीक है, और देखिए मिनिमम 15 तक क्यूब आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। जिन बच्चों को नहीं पता है, एक बार नोट डाउन जरूर करिएगा। जैसे 1 का क्यूब रहेगा आपके पास 1, 2 का क्यूब बनेगा आपके पास में 8, 3 का क्यूब बनेगा आपके पास में 27। जब मैं क्यूब रूट निकालूंगा तो अगेन वहां पर इसका काफी इंपॉर्टेंस रहेगा। 4 का जो क्यूब रहेगा वो बनेगा आपके पास में 64, 5 का क्यूब बनेगा आपके पास में 125, 6 का क्यूब बनेगा आपके पास में 216, 7 का क्यूब बनेगा आपके पास में 343, 8 का क्यूब होगा आपके पास में 512, एंड 9 का क्यूब होगा 729। बहुत आसान चीजें हैं, आपको एज ए स्टैंडर्ड आपको याद रखना पड़ेगा। 10 का क्यूब होगा आपके पास में 1000, 10 × 10 × 10 विच इज 1000। क्लियर है? जिस तरीके से हम लोगों ने 25 तक के आगे स्क्वायर की बात किया था, अभी मैंने दो पैटर्न, तीन पैटर्न में डिस्कस कर चुका हूँ, दो पैटर्न और स्क्वायर का डिस्कस करना बाकी है, जिसमें हम किसी भी नंबर का स्क्वायर फाइंड आउट कर सकते हैं। इन द सेम वे क्यूब में भी सेम इस तरीके के कुछ ट्रिक्स हम लोग देखेंगे। 11 का क्यूब होगा आपका 1331, 12 का क्यूब होगा आपके पास में 1728, 1728, 13 का क्यूब होगा आपके पास में 2197, 2197, 14 का क्यूब होगा 2744, एंड 15 का क्यूब होगा 3375। एज ए स्टैंडर्ड आपको यहां तक याद रखना पड़ेगा। इसके बाद में हम लोग देखेंगे किसी भी बड़े नंबर का अगर क्यूब निकालना है तो उसके कुछ ट्रिक्स देखेंगे, और मिनिमम 20 तक मैं याद कराई दूंगा। जैसे 16 का क्यूब हो जाएगा 4096 वगैरह वगैरह इस तरीके से। तो फिलहाल हम लोग बढ़ते हैं बॉडमोस की तरफ। देखिए गाइस, बॉडमोस को एक्चुअल में जो बोला जाता है, यहां पर जो आपके सामने एक बैनर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर मैंने बॉडमोस का पूरा बताया हुआ है। उसका फिर भी मैं पूरा ब्रैकेट पूरा ओपन करके उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। बॉडमोस को, बॉडमोस एक्चुअल में हमें बताता है कि कब कौन सा ऑपरेशन का प्रेफरेंस देना है। बॉडमोस को बोला जाता है वी बॉडमोस।
वी बॉडमॉस रूल। बॉडमॉस हमें बताता है कि जब मल्टीपल ऑपरेशंस आते हैं तो उसको किस तरीके से सिंप्लीफाई किया जाता है, एक साथ आपको एडिशन दे दिया, सब्ट्रैक्शन दे दिया, उनको हम किस तरीके से अप्रोच करके चलेंगे। ठीक है, जैसे इसमें हमेशा इन दोनों की कहानी थोड़ी सी अलग है, इन दोनों की कहानी मैं डिस्कस करूंगा। फिर फिलहाल वी मीन्स बोला जाता है वी इन कुलम साइन। जिसे हम हिंदी में बार साइन बोलते हैं। इतना क्लियर है? अगर फॉर एग्जाम्पल पेन पेपर के साथ में बैठिएगा पढ़ाई करते समय, आपको क्वेश्चन जैसे ही मिलता है आपका आंसर आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे कहीं पर क्वेश्चन मिला 12 माइनस 15 माइनस 17 और इस तरीके से एक वीन कुलम साइन लगा दिया, सपोज ये ब्रैकेट नहीं था, इस तरीके से मैंने अगर वीन कुलम साइन लगा दिया आपके पास और मुझे इस क्वेश्चन का आंसर बताना है कि इस क्वेश्चन का मेरा आंसर क्या है, मल्टीप्लाई बाय और कर दिया, सपोज आपके पास में 15 का मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक, तो यहां पर वीन कुलम का साइन का मतलब है कि पहले तो हमें सबसे पहले ऑपरेशन जो भी लगा हुआ है उसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो यहां पर पहले ये वाला बंदा सोल्व होगा, और देखा जाए तो यहां पर वाट एवर वीन कुलम साइन को समझने के लिए और है कि अगर आपके पास में सपोज कभी प्रॉब्लम जा रहा है तो ब्रैकेट लगा दो, जहां तक वीन कुलम साइन लगा हुआ है वहां पर ब्रैकेट लगा दो। तो हम इसको रिप्रेजेंट ऐसे भी कर सकते हैं, 12 माइनस 15 माइनस 7 इंटू कितना 15, ऐसे भी हम उसको लिख सकते हैं। ठीक, वीन कुलम साइन आ गया, जहां तक की वैल्यू है उसकी उसको ब्रैकेट लगा दो। तो यहां पर बनेगा 12 माइनस, यहां का खुद रिजल्ट एक नेगेटिव है तो माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा प्लस का 2 इंटू कितना होगा 15, 30 प्लस 2 बन जाएगा आपके पास में 42। तो इसका रिजल्ट जो बनेगा वो कितना बन जाएगा 42। तो इस तरीके से सबसे पहले अगर हमारे क्वेश्चन में वीन कुलम साइन है, बार साइन है, तो सबसे पहले हमें सोल्व करना पड़ेगा बार साइन को। बी मीन्स होता है आपका ब्रैकेट, ब्रैकेट के भी अलग अलग आपके पास में तरीके होते हैं, सबसे छोटा ब्रैकेट, फिर उससे बड़ा ब्रैकेट, और फिर उससे भी बड़ा ब्रैकेट, इस तरीके से उसके तरीके होते हैं। स्टार्ट होता है हम लोगों का लास्ट से। नेक्स्ट वन होता है ओ। ओ मीन्स होता है ऑफ, और ऑफ का मीनिंग जो होता है गाइज वो होता है मल्टीप्लीकेशन। ऑफ और आगे एक और मल्टीप्लीकेशन है, दोनों में बेसिक डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है वो मैं आ रहा हूं आपके पास में। डी मतलब होता है डिविजिबल या डिवीजन। एम मतलब मीन्स होता है मल्टीप्लीकेशन। एम मीन्स होता है मल्टीप्लीकेशन। ए फोर होता है एडिशन, और लास्ट में एस फोर होता है सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन ये इन सबके मीनिंग है। आपको M4 भी मल्टीप्लीकेशन होता है और O का मतलब भी मल्टीप्लीकेशन होता है, इसमें दोनों में एक बेसिक डिफरेंस है, और तो दोनों के बेसिक डिफरेंस क्या है वो समझिएगा। दोनों में नॉर्मल सा बेसिक डिफरेंस है, उसको थोड़ा सा समझते हैं। सपोज गाइज मैंने एक वैल्यू दिया A इज इक्वल टू 400 डिवाइडेड बाय 4 ऑफ 10, और एक B का वैल्यू दिया, वहां पर मैंने लिखा 400 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 10। दोनों क्वेश्चन दिखने में बिल्कुल एक जैसे हैं, कोई डिफरेंस नहीं है दोनों क्वेश्चन में, बट एक जगह पर मैंने ऑफ यूज किया है और दूसरी जगह पर हम लोगों ने इस वहां पर मल्टीप्लीकेशन साइन यूज किया। आप हमेशा बॉडमॉस के हिसाब से प्रेफरेंस दीजिएगा, अगर बॉडमॉस के हिसाब से प्रेफरेंस नहीं देंगे तो आंसर वेरी कर दें। देखिए आपके एक्सप्रेशन में एक डिवाइडेशन है और एक ऑफ है, तो डिवाइडेशन और ऑफ में प्रेफरेंस पहले होता है ऑफ का। तो आंसर जब हम ए का निकालेंगे तो रहेगा 400 डिवाइडेड बाय, इसका प्रेफरेंस पहले होगा पर इसका मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन, तो ये बन जाएगा 40। सिंगल डिवाइडेशन बचा हुआ है, 40 से डिवाइड होगा तो पहले ए का आंसर आएगा 10। ए का जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा 10। बट अगर हम सेकेंड वाले क्वेश्चन की बात करें तो एक डिवाइडेशन है और एक मल्टीप्लीकेशन है, तो डिवाइडेशन और मल्टीप्लीकेशन में पहले प्रेफरेंस कौन होता है, डिवाइडेशन। यहां पर पहले हम डिवाइड करेंगे 4 से
तो हमारे पास आंसर आएगा 100 × 10 और 100 × 10 विच मीन्स 1000। तो ये दोनों में बेसिक डिफरेंस होता है, प्रेफरेंस चेंज होने से आंसर वेरी करता है। इतना क्लियर है? तो सबसे पहले तो वेन कुलम साइन बोडमोस को पूरा लिख लीजिएगा, उसके बाद में हम लोग डिस्कस करते हैं और क्या आंसर होगा। नेक्स्ट यहां पर रहा आपके पास में वेन कुलम। सबसे पहले इसका मीनिंग लिख लीजिएगा, वी मीन्स होता है वेन कुलम, बी मतलब ब्रैकेट, ऑफ का मतलब मल्टीप्लीकेशन, देन डिविजन, देन आपके पास मल्टीप्लीकेशन, अगेन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। आई होप इतना क्लियर। जैसे इस तरीके के सवाल मैंने दिए यहां पर आपके पास में, इसको कैसे सोल्व करेंगे वहां पर भी हम लोग आ रहे हैं। डन, चल। बोडमोस को डिस्कस करने के साथ एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं लेके चल रहा हूं। यहां पर ये पूरा वेन कुलम साइन लगा हुआ है इस नंबर पर, यहां से यहां तक। अब आपके क्वेश्चन, आपके सामने जो क्वेश्चन है इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे गाइस, थोड़ा सा बड़ा सवाल लिया हुआ है, बहुत आसान सवाल है, जब आपको प्रेफरेंस समझ में आता है तो ऑटोमेटिक समझ में आएगा। हालांकि इस सवाल में मैंने 3 पार्ट्स बनाए हुए हैं क्योंकि एडिशन सब्ट्रैक्शन लास्ट में आपके पास होगा, तो एक पार्ट ये वाला पूरा का पूरा कैलकुलेट कर लेना है अलग से, यहां तक प्लस साइन तक। एक वाला पार्ट आपके पास में यहां तक प्लस साइन तक है और आखिरी वाला पार्ट आपके पास में यहां पर। हालांकि मैं स्टेप बाय स्टेप लिखूंगा, आराम से समझिएगा, फिर और इसको मैं डायरेक्ट बोलता हूं, है ना, पर स्टेप बाय स्टेप समझिए। और कुछ भी डिफरेंट क्वेश्चन लग रहा है, हालांकि इतने बड़े सवाल नहीं आते, मैंने क्वेश्चन में बोडमोस को इंट्रोड्यूस करने का यहां पर प्रयास किया हुआ है कि पूरे बोडमोस को मैं एक साथ लिख सकता हूं, ठीक है। तो समझते हैं इसको किस तरीके से सोल्व करेंगे। सबसे पहले आपका जो प्रेफरेंस होगा वो होगा वेन कुलम साइन। तो जब आप एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो प्लस साइन तक तो ये वैल्यू वैसा का वैसा ही रहेगा। तो सपोज मैंने वैसा का वैसा ही प्लस साइन तक लिखा और यहां पर लगा हुआ है आपका बोडमोस का वेन कुलम साइन। तो सबसे पहले बंदा ये आपके पास में ऑपरेट होगा, तो 476 में से 226 को हमें क्या कर देना है, माइनस। तो 476 में से 226 माइनस अगर होगा तो मेरे पास में बनेगा 250। आई होप यहां तक क्लियर। वेन कुलम साइन हट जाएगा आपके पास, ऑपरेट हो चुका है, मल्टीप्लाई बाय 23 अपनी ही जगह पर और डिवाइडेड बाय 25 अपनी ही जगह पर। अभी बोडमोस में डेटा बहुत आसान लिया है, बहुत आसान, कोई दम नहीं है सवाल। वेन कुलम साइन बोडमोस में जो आपका वी बोडमोस होता है उसमें वेन कुलम साइन में ऑपरेट कर चुका हूं, उसके बाद में प्रेफरेंस जो रहेगा प्लस साइन ये लगाया और आगे वाले वैल्यू वैसे का वैसा ही, उसके बाद में प्रेफरेंस रहेगा ब्रैकेट का, ब्रैकेट फिलहाल मेरे एक्सप्रेशन में है नहीं। नेक्स्ट वन प्रेफरेंस रहेगा ऑफ का, आप अगर देखेंगे तो यहां पर ऑफ लगाया उस, तो अब सेकेंड स्टेप में ऑफ सोल होगा। तो सेकेंड स्टेप जब मैं लिख रहा हूं तो सवाल ऐसे बन जाएगा, पहला वैल्यू तो लेफ्ट साइड का वैसे सेम एज इट इज 2744 डिवाइडेड बाय 196 ऑफ 14 होगा, विच मीन्स कि 196 में मल्टीप्लाई होगा किसका, 14 का। पहले डिवाइडेशन नहीं होगा, पहले ये मल्टीप्लीकेशन होगा ऑफ वाला। तो ऑफ वाला अगर मल्टीप्लीकेशन होगा तो 196 ऑफ 14 होगा, तो अल्टीमेटली 196 इनटू 14 बनेगा 14 का क्यूब, और 14 का क्यूब होता है 2744। और नेक्स्ट वन मल्टीप्लीकेशन के साथ में रहा 846। यहां पर आकर हम लोगों ने ऑफ को सिंप्लीफाई किया गाइस, इस वाले एक्सप्रेशन में देखेंगे तो डिविजिबल लगा हुआ है, ऑफ लगाया और मल्टीप्लीकेशन लगाया। डिविजिबल ऑफ और मल्टीप्लीकेशन में पहला प्रेफरेंस किसका होता है, ऑफ का, तो आपको ऑपरेट करना पड़ेगा पहले ऑफ। आई होप यहां तक क्लियर। ऑफ के बाद में आता है आपका डिविजिबल। अगर आप देखेंगे तो डिविजिबल आपके पास में 3 जगह पर है, पहले जगह, पहले एक्सप्रेशन में भी डिविजिबल है, पर पहले एक्सप्रेशन में खुद ही 3 जगह पर डिवाइडेशन लगा हुआ है। अब अगर मल्टीपल डिवाइडेशन आ जाता है, पहले इस सवाल को समझने से पहले इतना पार्ट अलग समझ लीजिएगा। सपोज मैंने एक a का वैल्यू निकालने को बोला और a इज इक्वल टू, सपोज मैंने आपके पास दिया है 125 डिवाइडेड बाय 5 डिवाइडेड बाय 5 डिवाइडेड बाय 5,
मल्टीप्लाई बाय 15। अगर इस सवाल को देखें तो इसका आंसर आएगा आपके पास में 15। जब मल्टीपल टाइम डिवाइडेशन होता है तो गाइस बोडमॉस बोलता है कि आपका प्रेफरेंस जो रहेगा वो लेफ्ट टू राइट रहेगा। ऐसा नहीं कि हम 20 से 5 से 5 डिवाइड कर दें या फलाना ढिमका, ऐसा कुछ होता नहीं। प्रेफरेंस हमेशा लेफ्ट टू राइट होता है। तो सबसे पहले हम इस वाले डिवाइडेशन को परफॉर्म करेंगे तो बनेगा 25 डिवाइडेड बाय 5 एंड डिवाइडेड बाय 5। अगेन मैं इस 5 से डिवाइड करूंगा तो बनेगा 5 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5। 5 से 5 डिवाइड होगा तो बनेगा 1 × 15 और 1 × 15 विच इज 15। इतना क्लियर है? तो इस तरीके से अगर मल्टीपल टाइम डिवाइडेशन आता है मेरे भाई, मल्टीपल टाइम डिवाइडेशन आता है, तो आपका प्रेफरेंस इसको ऐसे बोल सकते हैं कि पहली वैल्यू न्यूमरेटर में रहने दीजिएगा और जितने भी डिवाइडेशन है वो सारे जाने दीजिए डिनोमिनेटर में विथ मल्टीप्लीकेशन, क्योंकि ये जो 5 है वो इस 5 को डिवाइड नहीं कर रहा है, यहाँ तक के रिजल्ट को डिवाइड कर रहा है। इसका मीनिंग है ये जो 5 यहाँ पर लगा हुआ है ये डिवाइड इस 5 को डिवाइड नहीं कर रहा है, यहाँ तक के रिजल्ट को डिवाइड कर रहा है। तो हम इसको बोल सकते हैं कि अगर मल्टीपल टाइम डिवाइडेशन है तो पहला वैल्यू न्यूमरेटर में, बाकी सब डिनोमिनेटर में चले जाएंगे विथ मल्टीप्लीकेशन, और ये मल्टीप्लीकेशन वाला ऊपर रहेगा 15। तो आपको पता है ये भी 125 कैंसिल आउट हो जाएगा तो हमारा आंसर कितना बन जाएगा 50। इस तरीके से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो पहला जो नंबर था इसको अगर आप देखेंगे, हर एक चीज को नोट डाउन करिएगा प्लीज, छोटी छोटी चीजें हैं सबको नोट डाउन करके रखिएगा, जो भी क्वेश्चन आपको नया लग रहा है लिख के रखिएगा पेन पेपर और नोट्स मेंटेन करिएगा अच्छे तरीके से। देखिए अब जो डिवाइडेशन मुझे डिवाइडेशन परफॉर्म करना है तो यहां पर पहला जो पार्ट था इस प्लस साइन तक, वहां पर मैं क्या करूंगा कि 4096 मेरा अपनी जगह पर रहेगा और डिवाइडेशन में रहेगा 128 मल्टीप्लाई बाय रहेगा 32 अगेन मल्टीप्लाई बाय 4 और लास्ट वन रहेगा मल्टीप्लाई बाय 256। बस आसान सवाल है, सवाल आ चुका है ऑलमोस्ट, डेटा को एक प्रॉपर तरीके से मैंने रिप्रेजेंट किया हुआ है। डिवाइडेशन समझिएगा गाइस, 2744 कैंसिल आउट होगा, 25 से ये 250 कैंसिल आउट होगा, बचेगा 10। यहाँ पर अगर 128 का देख रहे हैं तो ये बंदा जस्ट डबल है, 2 से डिवाइड किया ये बंदा 2 है। अगर मैंने 4 से डिवाइड कर दिया या 16 से डिवाइड कर देता हूँ, 16 से 2 टाइम्स और ये 16 का क्यूब होता है, 16 से फिर भी डिवाइड किया, 16 × 2 = 32 रिमेनिंग बचेगा आपके पास 8, 16 × 5 = 80 रिमेनिंग 9 और 16 × 6 = 96। 4 बचा हुआ है, आप डायरेक्टली 4 से उड़ा दीजिएगा, 4 से अगर उड़ाएंगे 4 × 6 = 24 रिमेनिंग 1 × 4 = 16 का इस कुछ बचा नहीं है मेरे भाई, यहाँ पर बचा हुआ है ओनली 64। तो x का जो वैल्यू आएगा बनेगा 64 प्लस 23 × 10 मतलब बना आपके पास में 230 अगेन प्लस ये पूरा कैंसिल आउट होके बना हुआ है आपके पास 1 × 846 तो राइट आंसर यहाँ पर बना 846। बस लास्ट में कुछ नहीं, सबको ऐड कर देना है, इसके अलावा कुछ है नहीं। आपको डिजिट के हिसाब से ऐड करना है आप डिजिट के हिसाब से ऐड करिए, आपको प्लस माइनस करना है वैसे आप जा सकते हैं। 4 + 0 = 4 + 6 हो जाएगा 10, केयरफुल हुआ 1, यह हुआ बंदा 7, 7 + 3 होगा 10, 10 + 4 रहा 14, केयरफुल रहा आपके पास में 1 और रहा 10 + 1 = 11। तो आंसर आया आपके पास में कितना, 1140। इस पूरे क्वेश्चन का आंसर जो रहेगा वो रहेगा 1140। यहाँ पर मैंने बोडमॉस को डिस्कस करने का पूरा बोडमॉस इंट्रोड्यूस करने का पूरा ट्राई किया हुआ है, आप अच्छे से इस क्वेश्चन को लिखिए और नोट डाउन करिए। और आपके पास में ये दो चैलेंज हैं, इन दो क्वेश्चन का आंसर मुझे बताइए। जैसे कि आपको ब्रोशर में मैंने यहाँ पर जो बोला हुआ है, अगर आप इसका आंसर देखेंगे तो खुद से जरा आप ट्राई करेंगे तो आपको खुद से पता चलेगा कि पहला जो सवाल है इसका आंसर आएगा 24 × 5 - 8 देखा जाए तो -3 बचेगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो बनेगा आपके पास में 10। तो 24 × 10 मतलब आंसर आ जाएगा 240। बड़ा आसान सवाल था, कुछ था ही नहीं। आप इसको देखेंगे तो कैसे करेंगे, 24 × 7 - यहां पर वैल्यू बना -3, ऐसा वैल्यू बना
और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 3, तो 24 × 10 हो जाएगा मेरे भाई इस तरीके से। ये सवाल आपको ट्राई करना है। देखिए 25 से डिवाइड करेंगे आपके पास में दो बार, और जो भी वैल्यू होगा वो मल्टीप्लाई बाय कितना हो जाएगा 30। 25 का टेबल आपको पता होना चाहिए। 5-7 सेकेंड से छोटा आंसर, ठीक है। एक नेक्स्ट एग्जांपल से हम समझते हैं, एक नेक्स्ट एग्जांपल मैं लेके चल रहा हूँ बॉडमॉस के हिसाब से। देखिए गाइस, जो एग्जांपल 2 आपके पास लिया हुआ है, अभी मैं डिस्कस कर रहा हूँ पूरा बॉडमॉस, फिर इसको पूरा प्रैक्टिस पे लेकर आएंगे हम लोग, ठीक है। और प्रैक्टिस में आपको टाइम के साथ हम प्रैक्टिस करेंगे, पूरा वॉच आपका चलेगा, पर पहले मैं डिस्कस कर रहा हूँ। जो नेक्स्ट वन क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करने के दो तरीके बॉडमॉस में, इन दोनों की कहानी कुछ अलग है। ये जो ए है, इसका मतलब हम लोगों ने देखा है एडिशन, पर इस एडिशन का मतलब ये नहीं है कि हम इन दोनों वैल्यू को ऐड कर दें, इन दोनों वैल्यू को ऐड कर दें, उस एडिशन का ये मीनिंग नहीं है, ठीक है। इस एडिशन का मतलब है एडिशन ऑफ सेम टाइप वैल्यूज, एडिशन ऑफ सेम टाइप वैल्यूज। एडिशन ऑफ सेम टाइप वैल्यूज उसका मतलब ये है, क्लियर। तो अगर इस सेम टाइप ऑफ वैल्यूज का मतलब है कि पॉजिटिव वैल्यू में पॉजिटिव वैल्यू का एडिशन और नेगेटिव वैल्यू में नेगेटिव वैल्यू का एडिशन, पूरा इसको रियल समझ के चलिए। जैसे मान लो कि आप कोई एक शॉपकीपर है, आपके पास पता है कि दिन में 50 जगह से पैसा आ रहा है और दिन में 10 जगह पैसा जा रहा है। आप लास्ट में आपका बैलेंस अगर देखोगे कि भैया मैं आज कितने प्रॉफिट में रहा हूँ या कितने लॉस में रहा हूँ, तो आप क्या करोगे कि 50 जगह से पैसा डिफरेंट डिफरेंट टाइप पे आ रहा है, तो आप क्या करोगे भाई, टोटल कितना अमाउंट आया उसका सबका एडिशन करोगे, और टोटल अमाउंट गया कितना उस सबका एडिशन करोगे, और एट द लास्ट आप डिफरेंस चेक करोगे कि भाई कितना मेरे पास में वैल्यू पॉजिटिव है, कितना वैल्यू नेगेटिव। तो सेम पूरा नेचुरल है आपके पास। जैसे इस सवाल को अगर करेंगे तो मैं दो तरीके डिस्कस कर रहा हूँ, एक पॉजिटिव वैल्यू का एडिशन करता हूँ, एक नेगेटिव वैल्यू का एडिशन करता हूँ। जैसे देखा जाए तो 576 एक पॉजिटिव नंबर है, नेक्स्ट वन पॉजिटिव नंबर है 475, और लास्ट वन पॉजिटिव है 998। नेक्स्ट नेगेटिव देखा जाए तो 398 और 367 दोनों नेगेटिव वैल्यू है। सारे पॉजिटिव नंबर का एडिशन कर लेते हैं, 5 + 6 = 11 और 11 + 8 = 19, कैरी फॉर 1 हुआ 10 और 24 10 और 14 24 हुआ, कैरी फॉर 2 हुआ तो रहा 9 9 18, और 2 कैरी फॉरवर्ड 20 हो गया, 2049 पॉजिटिव वैल्यूज का समीशन बना। नेगेटिव वैल्यू का समीशन बना मेरे पास 15 कैरी फॉर 1, 16 कैरी फॉर 1, 6 + 1 = 7, 700 एंड कुछ गलत लिख दिए हैं क्या, अच्छा एक नेगेटिव और है 743, ये भी है आपके पास नेगेटिव एक वैल्यू, तीन वैल्यू नेगेटिव है की है, तीन वैल्यूज नेगेटिव, तो 670 और एक नेगेटिव वैल्यू है 743, ठीक है। ऐड कर दीजिएगा 15 15 + 3 = 18 केयर फॉर 1 तो रहा आपके पास में 10 और 10 20 अगेन केयर फॉर 2 तो रहा 10 और 3 13 + 2 केयर फॉर 15 तो 1508। ये रहा नेगेटिव वैल्यू का सम, ये रहा पॉजिटिव वैल्यू का सम। एट द लास्ट आपको डिफरेंस चाहिए, तो आप क्या करोगे, पॉजिटिव के सम में से नेगेटिव के सम को क्या कर दीजिएगा माइनस, तो 9 - 8 विच इज 1, यहाँ रहा 4 और बना 5 541 आपका आंसर रहेगा, और राइट आंसर जो रहा वो कितना रहा 1। एक तरीका तो ये हुआ कि जहाँ पर हमने पॉजिटिव पॉजिटिव नंबर को ऐड किया, नेगेटिव नेगेटिव नंबर को ऐड किया और लास्ट हमारा आंसर आया। पर ये तरीका कई बार टफ हो जाता है, ज़्यादा कैलकुलेटिव हो जाता है, स्पेशली इस तरीके के सवालों में, और सिंप्लीफिकेशन में इस तरीके के सवाल आपको मिलेंगे। याद रखिए सिंप्लीफिकेशन 10 मार्क्स का आता है, इस बात पे ध्यान रखिएगा। क्लेरिकल की एग्जामिनेशन, आरबीआई का जब एग्ज़ाम हुआ था, आरबीआई असिस्टेंट 2022, याद रखिए कुछ शिफ्ट ऐसे हुए थे जिसमें 14-14 क्वेश्चन 14-15 क्वेश्चन भी सिंप्लीफिकेशन के आए थे, तो आपको दम उतना ही लगाना पड़ेगा जिस तरीके के सवाल आ रहे हैं। अब देखिए, एक तो तरीका ये हुआ, दूसरा हम डायरेक्टली इसको डिजिट के हिसाब से भी कर सकते हैं। गाइस इसमें क्या करो, यूनिट डिजिट के हिसाब से चले जाओ, यूनिट डिजिट में यूनिट, 10 प्लेस में 10 प्लेस, 100 प्लेस में 100 प्लेस, जैसे कि सबका यूनिट डिजिट में कैलकुलेट कर रहा हूँ। रहा मेरे पास 6 - 8,
आपको पता है एक वैल्यू पॉजिटिव एक वैल्यू नेगेटिव, तो माइनस टू बचेगा। माइनस टू प्लस फाइव अगर करेंगे तो थ्री होगा, और थ्री माइनस थ्री हो जाएगा आपके पास में जीरो, और एट माइनस सेवन करेंगे तो बनेगा वन। तो यूनिट डिजिट पे बना मेरे पास वन, पूरे क्वेश्चन में यूनिट डिजिट पे बनाएगा। आप डायरेक्टली डिजिट के हिसाब से, क्योंकि ऐसे सवाल कभी लिखने वाले नहीं होते हैं, डायरेक्टली डिजिट के हिसाब से हम लोग जा सकते हैं। नेक्स्ट वन, सेवन माइनस नाइन रहा तो मेरे पास माइनस टू, माइनस टू प्लस सेवन रहा आपके पास तो बनेगा फाइव, फाइव माइनस फोर अगर किया तो बना वन, और वन प्लस नाइन करेंगे तो बना टेन, टेन माइनस सिक्स अगर हुआ तो कितना बना फोर। कोई कैरी कोई बोरो वाला प्रॉब्लम नहीं है, सीधे डिजिट से हम लोगों ने नंबर्स को कैलकुलेट किया। कैरी बोरो अगर कुछ होता तो फिर हम लोग उसको चेक करते हैं। लास्ट वन, अगर 100 प्लेस हम लोग वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं, 5 माइनस 3 माइनस 2 प्लस अगर 4 करेंगे, माइनस 2 प्लस 4 ये बेसिक चीज है, एक नेगेटिव एक वैल्यू पॉजिटिव, तो रिजल्ट 2 आएगा प्लस का 2, प्लस 2 माइनस 7 अगर किया तो रिजल्ट हुआ माइनस 5, माइनस 5 प्लस अगर 9 करेंगे तो रिजल्ट हुआ आपके पास में, कुछ गड़बड़ कर दिए शायद, 5 माइनस 3 बना 2, पॉजिटिव 2, 2 प्लस 4 होगा पॉजिटिव 2 था, 2 प्लस 4 होगा 6, 6 माइनस 7 होगा तो माइनस 1, माइनस 1 प्लस 9 होगा तो बनेगा 8, और 8 माइनस 3 होगा तो बनेगा 5, तो रिजल्ट आया आपके पास में 541। इस तरीके से हम लोग डायरेक्टली जा सकते। एक और एग्जांपल हम लोग लेके चलते हैं, नेक्स्ट वन एग्जांपल लिया है आपके पास, सेम मुझे डिजिट के हिसाब से आंसर बताने की कोशिश करिएगा। आप लोग एक टाइम लगा के सोल्व करिए सवाल के लिए, हार्डली टाइम आपके पास में होना चाहिए 12 से 15 सेकेंड। जैसे नेक्स्ट वन एग्जाम्पल है, इसको हम जाएंगे सबसे पहले यूनिट डिजिट के हिसाब से, क्योंकि अगर इसको पूरा पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव कैलकुलेट करेंगे तो काफ़ी कैलकुलेटिव हो जाएगा, इसको डायरेक्टली डिजिट के हिसाब से जाना है। सुनिएगा, 3 माइनस 6 किया तो रिजल्ट माइनस 3 रहा आपका। इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है गाइस, कि जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो हो सकता है कि यूनिट डिजिट पर नेगेटिव वैल्यू आए। उसके लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल समझिए, पहले इस क्वेश्चन को कैलकुलेट करने से पहले एक छोटा सा एग्जाम्पल समझिए। यहां पर मैं एक एग्जाम्पल देता हूं आपको, एक्स का अगर सपोज एक वैल्यू दिया है मैंने, और एक्स की जगह पर अगर सपोज लिखा होता 468 माइनस 835 प्लस 759 माइनस 243 अगेन प्लस किया होता 687। अगर इस तरीके का एक सवाल है, एक नॉर्मल सा सवाल दिया है, इसको अगर मुझे सिंप्लीफाई करना है, तरीका मेरा वही रहेगा, यूनिट डिजिट में यूनिट, 10 प्लेस में 10 प्लेस, 100 प्लेस में 100 प्लेस। एक बेसिक सवाल हम लोगों ने लिया, 8 माइनस 5 करेंगे तो गाइस रिजल्ट आएगा 3, 3 प्लस 9 किया तो बना रिजल्ट 12, 12 माइनस 9 अगर अब 12 माइनस 3 करेंगे तो रिजल्ट हुआ 9, और 9 प्लस 7 होगा 16, 16 के लिए हम 6 और कैरी फॉरवर्ड होगा 1, तो 1 कैरी फॉरवर्ड हुआ तो नेक्स्ट वन डिजिट में जाकर ऐड हो जाएगा, रहा आपके पास 7, 7 माइनस 3 करेंगे तो गाइस बना 4, 4 प्लस 5 रहा आपका 9, 9 माइनस 4 करेंगे 5, 5 प्लस 8 रहा 13, 13 का लीजिएगा आप 3, अगेन कैरी फॉरवर्ड होगा, कोई वैल्यू कैरी फॉरवर्ड हो रही है तो नेक्स्ट वन टर्म्स में जाकर ऐड होगा, और अगर कोई वैल्यू नेगेटिव आ रही है तो हम बोरो करेंगे। तो यहाँ पर बना मेरे पास 5 माइनस 8 करेंगे माइनस 3, प्लस 7 किया तो बना आपके पास में 4, और 4 माइनस 2 अगर करेंगे तो बना 2, और 2 प्लस 6 होगा आपके पास 8, तो आपका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा आपके पास 836। एक बार ट्राई जरूर करिएगा प्रॉपर तरीके से, इतना क्लियर। अब इसी चीज को लिखने का एक छोटा सा तरीका, जैसे अगर कोई इन केस, जैसे आगे वाले सवाल में नेगेटिव डिजिट आ रहा है, इन केस अगर नेगेटिव डिजिट आया, फॉर एग्जांपल अगर मैंने आपसे एक्स का वैल्यू पूछा होता कि आपको क्या करना है 573 में से 287 माइनस करना है, 287 क्या कर देना है माइनस, बहुत आसान सवाल है, बहुत आसान सवाल। अभी मैं बिल्कुल बेसिक बात कर रहा हूँ, और भी तरीके हो सकते हैं, मैं इसको बोल सकता हूँ 300 प्लस 572 है तो 272 बच गया है आपके पास में, और 13 और उसमें ऐड कर दें, ठीक है। पर इसको बेसिक अगर करें हम लोग तो हम इस तरीके से जाते हैं कि 13, इसको 3 माइनस 7 नहीं कर सकते इसलिए इसको 13 कंसिडर करते हैं, 13 माइनस 7 विच इज 6,
यहाँ पर आपके पास में जो वैल्यू रही वो वैल्यू रही कितना आपके पास 6, तो 16 माइनस 8 करेंगे तो बनेगा आपके पास 8, यहाँ पर हुआ 4, 4 माइनस 2 रहा 2, तो राइट आंसर जो बनेगा वो कितना बनेगा 286। अब यही तरीका अगर हम जब डायरेक्टली डिजिट के हिसाब से करेंगे तो हमें नहीं पता होगा कि यूनिट डिजिट पर नेगेटिव वैल्यू आनी है या यूनिट डिजिट पर पॉजिटिव वैल्यू आनी है। जब हम डिजिट के हिसाब से कर रहे होंगे गाइस तब, तो आप डायरेक्टली डिजिट के हिसाब से करिएगा। जैसे यहाँ पर एक नेगेटिव वैल्यू आया था तो हम लोगों ने आगे से बोरो किया था, और जो भी वैल्यू बोरो करेंगे वो सीधे सीधे 10 की टर्म्स में आएगा। किसकी टर्म्स में आएगा? 10 की टर्म्स। तो 3 माइनस 7 करेंगे तो 3 माइनस 7 बना -4, और हम मेरे भाई माइनस में वैल्यू लिख नहीं सकते। इनकेस कभी भी आपके पास नेगेटिव डिजिट आता है तो आप क्या करिए, इसको 10 में से माइनस करके लिखिए। कहाँ से माइनस करके लिखिएगा? 10 में से सब्ट्रैक्शन करके लिखिए। तो 10 माइनस 4 विच इज 6, ये जो 10 ही है ना यहाँ से बोरो किया हुआ है, तो 7 में से कम होगा। कोई वैल्यू कैरी फॉरवर्ड होगा तो आगे जाकर ऐड होगा, बोरो किया है तो आगे से कम होगा, तो यहाँ पर 7 की जगह पर कंसिडर होगा 6। 6 माइनस 8 करेंगे तो रिजल्ट -2, अगेन नेगेटिव डिजिट आया है, तो हम 10 माइनस 2 करके लिखेंगे तो बना 8। हमने यहाँ से एक बोरो किया था तो 5 की जगह बनेगा 4, और 4 माइनस 2 करेंगे तो बन जाएगा आपके पास में 2, तो बनेगा हम लोगों के पास में 286। यानी कि देखा जाए तो हम नेक्स्ट वन टर्म से अगर कोई नेगेटिव रिजल्ट आया हमारा, तो नेक्स्ट वन टर्म से हम एक बोरो करें, और जो भी बोरो करेंगे वो 10 की टर्म्स में आएगा। एक आगे वाले एग्जाम्पल में इसको इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। जैसे ये आपका एग्जाम्पल है, समझेगा बहुत अच्छे तरीके से डिजिट के हिसाब से। 3 माइनस 6 किया तो रिजल्ट -3, नेगेटिव रिजल्ट आता है तो उसको माइनस साइन के साथ बोलिएगा। -3 प्लस 2 करेंगे तो बना आपके पास -1। -1 माइनस 6 किया तो आपको पता है दोनों नेगेटिव डिजिट ऐड होगा तो बनेगा -7, और +1 करेंगे तो रिजल्ट आया -6। प्रॉब्लम आ गया हमारे पास में कि रिजल्ट नेगेटिव आ चुका है, नेगेटिव रिजल्ट हम लिख नहीं सकते, तो हम लोग क्या करेंगे कि 10 में से 6 माइनस करके लिखेंगे, और 10 माइनस 6 विच इज 4, तो इसका रिजल्ट आएगा आपके पास में कितना, 4। यहाँ पर जो रिजल्ट बनेगा वो क्या बन जाएगा आपके पास में, 4 बनेगा। ठीक है, 10 आया है तो हमने एक बोरो किया यहाँ से, तो यहाँ पर 6 की जगह कंसिडर करेंगे हम 5। 5 माइनस 8 माइनस 3, +6 करेंगे तो हुआ आपके पास में +3। 3 माइनस 7 अगर करेंगे तो बनेगा -4, -4 प्लस 5 करेंगे तो बनेगा 1। तो आंसर आया है आपके पास में लास्ट के दो डिजिट 1 4। आंसर या तो सी होगा या आंसर नन ऑफ दिस होगा, कोई बोरो वाला प्रॉब्लम है नहीं। नेक्स्ट वन डिजिट कैलकुलेट करिएगा, 8 माइनस 9 माइनस 1, +4 रहा 3, 3 माइनस 5 अगर करेंगे तो -2, और 2 अगर 8 में से गया तो कितना बना मेरे पास में, 6। और द लास्ट वन डिजिट हम कैलकुलेट कर रहे हैं, 7 माइनस 9 माइनस 2 माइनस 2 प्लस 8 6, और 6 माइनस 4 2 2 प्लस 7 9, तो हमारा आंसर बनेगा वो क्या बन जाएगा आपके पास, 9614। हमारा जो आंसर बनेगा वो बनेगा 9614। डायरेक्टली हम लोग डिजिट के हिसाब से हम लोग जा सकते हैं। ठीक है, हाँ गाइज, एक छोटा सा अनाउंसमेंट करना था। हम लोगों का इंस्टीट्यूट है आरएम इंस्टीट्यूट, और 2019 से मैं ऑफलाइन क्लासेस चलाता हूँ अहमदाबाद। यहाँ पर मेरा एड्रेस लिखा हुआ है, 5th फ्लोर श्री वर्धमान कॉम्प्लेक्स, विजय क्रॉस रोड। अगर कोई बच्चा ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहता है, इंटरेस्टेड है, तो एक बार उसको ज़रूर इन्फॉर्म करिएगा। कल से हम लोग एक नया बैच चालू करने वाले हैं, कल मतलब कि 8th ऑफ अप्रैल से। इसमें कल फर्स्ट डेमो सेशन हम लोगों ने रखा हुआ है इंग्लिश लैंग्वेज के लिए। तो जिन बंदों को अगर लगता है कि इंग्लिश बहुत टफ है, एक बार आराम में पढ़ के देखिए, इंग्लिश से मोहब्बत हो जाएगी। ठीक है, मॉर्निंग 8 o'clock को आपके पास में आपका सेशन रहेगा डेमो के लिए। डेमो के लिए आपको एक बार पहले इन्फॉर्म करना पड़ेगा मुझे, इसके लिए मुझे 8160001258 पर मुझे कॉल कर सकते हैं, ठीक है, या मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, मेरा नंबर यहाँ पर दिया हुआ है। चलिए, विश ऑल द बेस्ट, और मैं चाहता हूँ, ये एक्चुअल में मेरा पुराना बैनर है, मैं चाहता हूँ कि आपको जल्दी ही यहाँ पर आपका फ़ोटो दिखाई दे। ठीक है, गुड लक। सिंप्लीफिकेशन का एक बेसिक सवाल हम लोगों ने देखा, उसके बाद सिंप्लीफिकेशन के एक नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। देखिए,
मैं पैटर्न वाइज जा रहा हूँ। अभी मैंने बॉडमॉस दोनों क्वेश्चन में बॉडमॉस को डिस्कस किया हुआ है। नेक्स्ट एग्जांपल जो आपके पास में है ये बहुत ही आसान सवाल है, इसे फ्रैक्शन का सवाल बोलते हैं और मिक्स फ्रैक्शन आ जाता है। देखिए फ्रैक्शन के भी बहुत सारे बोलने के तरीके होते हैं, एक होता है फ्रैक्शन, एक होता है प्रॉपर फ्रैक्शन, एक होता है मिक्स फ्रैक्शन, ना क्लियर। फ्रैक्शन पहले तो ये बना कैसे, पहले इसकी भाषा को समझिएगा, पहले तो ये बना कैसे और फिर इसको डायरेक्टली हम लोग सॉल्व करते हैं। गाइस कोई भी अगर वैल्यू दिया, जैसे आपका हम लोग लिखते हैं 5/2, तो आपको पता है कि इसको आप लिखते हैं, अगर डिवाइड करते हैं इसको तो पॉइंट में वैल्यू आता है 2.5। या इसको फ्रैक्शन में लिखना होता है तो हमने 5 को डिवाइड करना है 2 से, 2 टाइम्स होगा, 2 2 ज़ 4, 4 माइनस किया रिमेनिंग 1 बचा, रिमेनिंग जो बचा है रिमाइंडर वो डिवाइजर से छोटा है, यानी कि अब आप इसको डिवाइड नहीं कर सकते। तो मैथमेटिक्स में लिखने का प्रोसीजर है कि भैया 2 टाइम्स ये डिवाइड हुआ, रिमाइंडर को अभी हमें वापस से डिवाइड करना बाकी है, किससे, 2 से। तो इसके बीच में जो साइन होता है वो प्लस वाला साइन होता है और ये वाला जो वैल्यू है वो आफ्टर डेसिमल, डेसिमल के बाद आने वाला वैल्यू है। वैसे भी आपको पता है कि हाफ हाफ को हम 0.5 बोल ही सकते हैं, तो ये डेसिमल के बाद वाली वैल्यू आने को शो करता है। किसी भी नंबर्स को लिखने में इन दोनों के बीच में साइन होता है प्लस साइन, फ्रैक्शन और नंबर्स, इससे बना है आपके पास में मिक्स फ्रैक्शन। इसको वापस अगर सोल्व करते हैं हम लोग तो आपको पता है कि आप इसके बीच में प्लस साइन लगाते हो, प्लस साइन लगा नहीं है पर फिर भी लगाते हो कि 2 2 ज़ 4 प्लस 1 5, 5/2 हो जाएगा ही। तो इनबिल्ट साइन होता है इनमें प्लस साइन, फ्रैक्शन में और नंबर्स के बीच में इनबिल्ट साइन होता है प्लस साइन। जैसे आपके पास ऊपर एक सवाल दिया, मैं प्रॉपर एक स्टेप लिखूंगा जस्ट समझेगा, जैसे ये वाला सवाल है इसको अगर हम सॉल्व करेंगे मेरे भाई तो मैं इसको लिखूंगा 3 प्लस 5/6, प्लस साइन के साथ सेपरेट कर सकते हैं हम पूरा, इसको इस तरीके से सॉल्व करने की जरूरत नहीं कि 18 गया, 18 प्लस 5 हो गया आपके पास में 23/6। वो तरीका जो है वो बहुत कैलकुलेटिव तरीका है, ये एक स्टेप दो स्टेप में अननेसेसरी लिखूंगा, जस्ट मुझे एक्सप्लेन करना है, दैट्स वाई। तो जो बच्चे एकदम जीरो से तैयारी कर रहे हैं उनको यहाँ पर प्रॉपर समझ में आएगा कि ऐसा क्यों होता है भाई। माइनस 4 प्लस 1/2 हम इसको लिख सकते हैं क्योंकि प्लस साइन के साथ सेपरेट होता है 4 होल 1/2 को, प्लस 7 होल 2/3 एंड माइनस 7 प्लस 2/3, सॉरी 7 होल 1/2 को कितना लिख सकते हैं, 7 प्लस 2/3 एंड माइनस 2 प्लस 7/12। अब जस्ट मैंने ये इसलिए लिखा कि हम लोग अपने कैलकुलेशन को मिनिमाइज कर सकते हैं, ठीक है। ये एक अननेसेसरी स्टेप है, इसकी कभी भी ज़रूरत नहीं होती है। जैसे अगर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा होता तो मैं डायरेक्टली नंबर्स में नंबर और फ्रैक्शन में फ्रैक्शन बोलूँगा। आपको पता है माइनस साइन जाएगा तो दोनों पर ऑपरेट होगा, ठीक है। तो अगर इसको कैलकुलेट करेंगे तो माइनस साइन दोनों पर ऑपरेट होगा तो ये बंदा बनेगा आपके पास में 3 प्लस 5/6 माइनस 4 माइनस 1/2 प्लस 7 प्लस 3 2/3 एंड द लास्ट वन -2 -7/12। ये इस तरीके की सिचुएशन बनेगी। ये दो स्टेप अननेसेसरी स्टेप है, समझाने के लिए है, हम मैं आगे किसी भी क्वेश्चन में इस तरीके से नहीं लिखूंगा। पर जो बच्चे एकदम जीरो से समझ रहे हैं वो समझिएगा कि इसको आप, जैसे ये पहला वाला टर्म्स था, अगर इसको 23/6 करके सोल्व कर रहे होते तो भाई वो बहुत कैलकुलेटिव तरीका है, बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव तरीका है। अब नंबर में नंबर आप कैलकुलेट कर लीजिए, 3 - 4 रहा आपके पास में -1 - 1 + 7 करेंगे तो बनेगा 6 और 6 - 2 जो रहा वो बना आपके पास में 4। आपको 5/6 - 1/2 + 2/3 and -7/12। फ्रैक्शन वाले पार्ट को सोल्व करने के लिए आपको लेना पड़ेगा एलसीएम, और एलसीएम की प्रोसेस, एलसीएम जब भी वैल्यू इस तरीके से प्लस और माइनस में आता है तो एलसीएम लेना पड़ता है डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए। तो आई थिंक 6, 2, 3 और 12 एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, इसको बोलते हैं लीस्ट, लीस्ट मतलब सबसे छोटा, कॉमन मतलब इन सबका, और मल्टीपल होना चाहिए, इन सबका मल्टीपल होना चाहिए, मतलब इनसे डिविजिबल होना चाहिए। इनको डिवाइड करने वाला नहीं ले लीजिएगा, इनको डिवाइड करने वाला तो एचसीएफ होता है, इतना क्लियर। तो यहाँ पर एलसीएम जो लेंगे वो लेंगे आपके पास में इसका एलसीएम कितना आएगा, 12 एक सबसे लीस्ट नंबर है विच इज़ डिविजिबल बाई 12 एज वेल एज 3 एज वेल एज 2 एंड एज वेल एज 6
एलसीएम निकालने के दो तरीके हैं, अभी मैं नेक्स्ट इसमें आता हूँ कि एलसीएम कैसे निकालते हैं, पर फिलहाल इसका एलसीएम आएगा 12, मतलब सबका डिनोमिनेटर हम 12 बनाना चाह रहे हैं। आपको पता है कि ये 6 है, 12 बनाने के लिए आपको 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर में, तो पहला टर्म्स हो जाएगा 10। यहाँ पर हमें 12 बनाने के लिए 6 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ पर रहेगा 6 प्लस 12 बनाने के लिए आपको 4 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, और आखिरी में 12 खुद है तो वैसा का वैसा ही लिख दीजिए, यानी कि आंसर आएगा 4 प्लस 4, 10 माइनस 6 करेंगे 4, 4 प्लस 8 रहा आपके पास में 12, 12 माइनस 7 रहा 5, 5 बाई 12, और ये प्लस साइन है तो इसको क्लब करके लिख सकते हैं 4 होल 5 बाई 12, दिस इज योर राइट आंसर। तो आंसर आएगा मेरे पास में 4 होल 5 बाई 12, आंसर बी आपका राइट आंसर। हालांकि ये तीन स्टेप अगली बार हम आएंगे डायरेक्टली क्वेश्चन पे, यहाँ पर ये तीन स्टेप मैंने एक अननेसेसरी लिखा है समझाने के लिए कि ऐसा क्यों होता है, ठीक है। अब इसको अगर डायरेक्टली सोल्व कर रहे होते मेरे भाई तो हम बोलेंगे नंबर में नंबर सोल्व करिए, 3 माइनस 4 माइनस 1 प्लस 7 करेंगे 6, 6 माइनस 2 करेंगे तो बनेगा मेरे पास में 4, यानी कि 4 में आंसर आएगा आपके पास। प्लस साइन जरूर लगाइएगा, बहुत सारे बच्चे यहाँ पर प्लस साइन नहीं लगाते, राइट साइड वाली फ्रैक्शन वाली वैल्यू कई बार 1 हो जाती है, कई बार 0 हो जाती है, कई बार नेगेटिव आती है। 6, 2, 3 और 12 का एलसीएम आपको लेना पड़ेगा, वो होगा 12, ये 12 नहीं है, सिर्फ 5 बाई 6 को ही देखिएगा, ये 12 नहीं है, तो 12 नहीं है, इसको 12 बनाने के लिए आपको 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमेटर, तो न्यूमरेटर कन्वर्ट हो जाएगा 10 में, माइनस अपनी जगह पर, ये 12 बनाने के लिए आपको 6 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमेटर, प्लस प्लस 2 बाई 3 था, इसको 12 बनाने के लिए 4 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ पर बनेगा 8, और माइनस ये तो खुद 12 है, यानी कि नो चेंज। बस इतना सा सवाल था गाइस, ये बनेगा 4, 10 माइनस 6 रहा 4, 4 प्लस 8 12, 12 माइनस 7 अगर करेंगे तो बनेगा 5, और ये बनेगा 5 बाई 12, यानी कि आंसर आएगा मेरे पास में 4 होल 5 बाई 12, ये आपके फाइनल आंसर बनेंगे। चलिए एक नेक्स्ट एग्जांपल लेके चलते हैं, सिमिलर टाइप का एग्जांपल है, पर एग्जांपल लेने से पहले एक छोटा सा एलसीएम का कंसेप्ट समझिए, छोटा सा कंसेप्ट समझिएगा एलसीएम कैसे निकालते हैं, हालांकि एक पूरा चैप्टर अलग ही है। एलसीएम निकालने के तरीके, एक तरीका जो सबसे इजीएस्ट तरीका होता है वो फैक्टराइजेशन मेथड होता है, जैसे कि 6, 2, 3 एंड 12 का ही अगर हमने एलसीएम निकाला तो एलसीएम में सारे कॉमन और डिफरेंट फैक्टर, जितने भी कॉमन फैक्टर है वो भी आ जाते हैं, और जो अलग डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर है उनका सबका मल्टीप्लीकेशन होता है। तो देखिए हमने इसको फैक्टर निकाले, एटलीस्ट वन नंबर डिविजिबल होना चाहिए, आपको ऐसे नंबर से डिवाइड करना पड़ेगा। 2 से अगर हमने डिवाइड किया तो 6 की जगह होगा 3, 2 की जगह पर 1, अगर कोई नंबर डिविजिबल नहीं है तो सेम वैसे का वैसे ही लिखिए और नेक्स्ट वन रखे 6, अगेन 2 से डिवाइड करेंगे तो बनेगा 1, देन नेक्स्ट वन सॉरी 3 वैसे का वैसे ही 1, 3 अगेन वैसे का वैसे ही, और 6 को लिखा तो 3, और आपको पता है लास्ट में सब जगह 3 आ रहा है तो 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, 1, 1, 1 एंड 1, इन सब का मल्टीप्लाई करेंगे, वही इसका एलसीएम बोला गया, 3 टू जा 6 और 6 टू जा कितना बनेगा 12, यानी कि देखा जाए तो जो एलसीएम है आपका जो नंबर्स यूज हो रहे हैं उसमें सबसे बड़ा नंबर या उसकी टेबल में कोई ना कोई नंबर होगा, ठीक है, उसको हम एलसीएम बोलते हैं। एक दूसरा नंबर हम लोग लेके चलते हैं, डिफरेंट नंबर लेके चलते हैं, सपोज अगर मैंने 15 एंड 24 का एलसीएम निकाला होता, हालांकि बहुत ईजी नंबर है गाइज, अगर 15 और 24 का एलसीएम हम लोगों ने निकाला तो ऐसा जरूरी नहीं कि आप दो दो से डिवाइड करें, तीन तीन से डिवाइड करें, आप डायरेक्टली बड़े नंबर भी ले सकते हैं या डायरेक्ट कॉमन नंबर ले सकते हैं। आप देखा जाए तो दोनों 3 से डिविजिबल है, 3 से अगर डिवाइड किया तो ये बना 5 और ये बना 8, और जब कोई कॉमन नंबर नहीं होता है इन दोनों में, अब देखिए 5 एक पूरा डिफरेंट है, 5 मुझे लेना ही पड़ेगा, 8 मुझे लेना ही पड़ेगा, तो जब कोई कॉमन नंबर नहीं होता है तो उसका मल्टीप्लीकेशन ही एलसीएम होता है। जैसे अगर मुझे 5 और 3 का एलसीएम निकालना है तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन होगा 15, क्योंकि इनमें कोई कॉमन है नहीं, पर अगर मुझे 12 और 6 का एलसीएम निकालना है तो एलसीएम खुद ही 6 होगा, क्योंकि सॉरी 12 हो जाएगा, क्योंकि जो 12 है वो 6 से ऑलरेडी डिविजिबल है, इतना क्लियर हुआ। तो हर बार मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, इनमें कोई भी नंबर कॉमन नहीं है पर इन दोनों में 6 कॉमन है तो दो बार 6 काउंट नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो 5 और 8 का एलसीएम देखा जाए तो खुद 140 आ जाएगा, और इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा आपके पास में 120, तो एलसीएम कितना बन जाएगा 120। एक बड़ा नंबर थोड़ा सा और ले लेके चलते हैं, अगर सपोज मुझे एलसीएम फाइंड आउट करना होता,
आपका अगर नंबर दिया है, सपोज मैंने 35 एंड 25, 35 एंड 25 का एलसीएम ऐसे बनेगा 175। देखिए 5 से दोनों डिविजिबल है, यहाँ रहा 7 एंड 5, और 7 और 5 में कोई कॉमन नंबर नहीं है, तो 7 फाइव ज़ा 35 रहेगा ही रहेगा। 35 और 5 का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 35 फाइव ज़ा बन जाएगा 175। ये इसका एलसीएम का तरीका हुआ, ठीक है। तो एक एग्जांपल, जो नेक्स्ट वन एग्जांपल हम लोग लेके चल रहे हैं उसको समझते हैं। जैसे नेक्स्ट वन एग्जांपल है आपके पास, इसमें बेसिक प्रोसीजर है, आप नंबर में नंबर सोल्व करिए, फ्रैक्शन में फ्रैक्शन सोल्व करिए। 3-5 रहा, -2 बचा, -2+4 और -4 कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि रिजल्ट नेगेटिव डिजिट में आएगा माइनस का 3-2। और आपको पता है कि -2 तो हम लोग लिख नहीं सकते, तो हम 10-2 करेंगे विच इज 8। हमने एक बोरो किया है तो 2 की जगह पर वो बचेगा 1। 1-4 किया तो बना -3, -3+9 करेंगे तो 6, और 6 में से 5 गया तो बना 1। यानी कि गाइस हमारे पास में नंबर्स में तो बनना है 18, यानी कि आंसर या तो ए आएगा या नन ऑफ दिस आएगा। अभी फ्रैक्शन की वैल्यू कैलकुलेट करिए, आता हुआ क्वेश्चन गलत नहीं कर दीजिए, हो सकता है कि आंसर नन ऑफ दिस आ रहा हो, मैं भी पॉसिबिलिटी है। आप लोगों ने, हालांकि इस क्वेश्चन में मैं एक स्टेप एक्स्ट्रा लिख देता हूँ, वैसा का वैसा ही लिखा, 7/16 -1/5 +2/5 -5/8। अगर इस नंबर को कैलकुलेट करेंगे हम लोग तो इसका एलसीएम लेना पड़ेगा, और 16 और 8 का एलसीएम तो खुद 16 रहेगा और 5 की जगह पर 5 रहेगा, और इसका एलसीएम रहेगा 16 × 5 विच इज 80। गाइस सबका बेस 80 क्रिएट करना है, 16 को 80 बनाने के लिए 5 के मल्टीपल की ज़रूरत है, तो हमने बोथ साइड मल्टीप्लाई किया 5 माइनस 5 को 80 बनाने के लिए हमें 16 की ज़रूरत है, तो यहाँ पर भी न्यूमरेटर में 16 प्लस, अगेन 5 को 80 बनाने के लिए 16 की ज़रूरत है तो रिक्वायरमेंट होगा 32 माइनस, इसको 80 बनाने के लिए 10 की रिक्वायरमेंट है तो यहाँ पर रहा 50। बस आपका आंसर आ चुका है 18 प्लस। अगर देखा जाए तो 32 पॉजिटिव है, 16 नेगेटिव है, तो 16 चला जाएगा तो बचेगा 16, और 16 और 15 में अगर देखें 35 में तो बनेगा 51, 51 में से 50 गया तो बचेगा 1, 1/80 प्लस साइन है, क्लब करके लिख सकते हैं 18 होल 1/80, दिस इज योर राइट आंसर। तो राइट आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा, 18 होल 1/80, 18 होल 1/80 आपका आंसर बनेगा। आई होप यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। कुछ भी अगर कोई क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप मुझे मैसेज जरूर करिएगा, मैं उसको, इन केस डाउट रहा आपका तो मैं उसको डिस्कस करूँगा और अच्छे क्वेश्चनों के साथ में, ठीक है। एक नेक्स्ट वन क्वेश्चन लेके चलते हैं। आपको जो नेक्स्ट वन क्वेश्चन दिया है, तरीका अगेन वही रहेगा, डिजिट के डिजिट, 5-5 0, 9-4 करेंगे विच इज 5। बहुत रद्दी पैटर्न है और एक सवाल मिनिमम इस पैटर्न का आता ही आता है। 4-8 करेंगे -4, -4+9 होगा तो 5, 5-8 हुआ तो बना -3, तो माइनस लिख नहीं सकते, 10-3 विच इज 7। हमने एक बोरो किया 10, तो यहाँ पर बचेगा 1, 1-3 करेंगे -2, -2+9 होगा 7, और 7-6 होगा 1। नंबर्स में हमारे पास बनने वाला है 175, तो आंसर नन ऑफ दिस नहीं है, पर 175 में हमारे पास में दो ऑप्शन है, कोई बात नहीं, फ्रैक्शन वाला वैल्यू और देखते हैं। गाइस अगर देखोगे 17/20, मैं एक बार पूरा लिख देता हूँ, हालांकि इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, 1/3 +4/5 एंड माइनस का 5/12। इसका एलसीएम आपको लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा 60, सबका बेस 60 कर देना है। 20 को 60 बनाने के लिए ज़रूरत होती है 3 की, तो यहाँ पर बनेगा 51, 30 को 60 बनाने के लिए मल्टीप्लाई है 20, तो यहाँ पर बन जाएगा 20 प्लस, 5 को 60 बनाने के लिए मल्टीप्लाई बाय 12, तो 4 × 12 बनेगा 48, और माइनस 12 को 60 बनाने के लिए 5 तो 25। बहुत आसान सवाल है, कुछ है नहीं, या तो नेगेटिव नेगेटिव का एडिशन कर दीजिए, पॉजिटिव पॉजिटिव का एडिशन कर दीजिए, जैसे भी आपको करना है। 20 और 25 दोनों नेगेटिव है, बनेगा -45,
और 45-48 में से गया तो बचा 3। 3 अगर आप 51 में ऐड करोगे तो बनेगा 54/60। आप डिवाइड कर दीजिए 6 से तो 9/10, तो आंसर आएगा 175/9/10। दिस इज योर राइट आंसर, 175/9/10, ये आपका आंसर आएगा। ठीक है, तो फिलहाल इस सेशन को हम आज के लिए यहीं पर रुकते हैं। आज जस्ट मैंने बॉडमास डिस्कस किया हुआ है, फ्रैक्शन वाले सवाल डिस्कस किए कि फ्रैक्शन वाले सवाल हम लोग किस तरीके से सोल्व करेंगे। आगे और हम लोग देखेंगे इसको नेक्स्ट सेशन में, आगे काफ़ी सवाल मैं लेके आऊँगा तो उसको भी हम लोग देखेंगे। जिन बंदों ने लास्ट लेक्चर नहीं देखा था, प्लीज़ एक बार उसको अच्छे से कवर करिएगा, जिसमें सिक्योर के ट्रिक्स बताए थे और उसका आगे इम्प्लीमेंटेशन होगा। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा। नई एक बैच हम लोग कल से चालू कर रहे हैं, अगर कोई बच्चा ऑफलाइन क्लासेस के लिए अगर ज्वाइन करना चाह रहा है तो एक बार अपने दोस्तों को ज़रूर बताएं ऑफलाइन बैच के बारे में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मिलते हैं कल के सेशन में। थैंक यू सो मच। जो भी बच्चे ऑनलाइन इस वीडियो लेक्चर से पढ़ रहे हैं, मेरी एक रिक्वेस्ट है, प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाइए। हर एक चीज़ को मैं बिल्कुल डेप्थ में पढ़ाऊंगा। सेशन एकदम 10th स्टैंडर्ड के बच्चे से यूपीएससी वाले बच्चे तक ये कहीं ना कहीं यूजफुल होगा। कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन हुई उसमें सब में कहीं ना कहीं ये यूजफुल रहेगा। इतना क्लियर? तो प्रॉपर नोट्स बनाइएगा, कोशिश करिएगा कल से थोड़े कैलकुलेशन का अच्छा खासा यूज होगा, तो आपको यूज करना पड़ेगा टेबल्स, स्क्वायर, फिर मैं और आगे इसमें स्क्वायर रूट और स्क्वायर क्यूब रूट के कंसेप्ट हम लोग डिस्कस करने वाले। तब तक अपना ख्याल रखिएगा।